आपने होम लोन मेला देखा होगा, पर्सनल लोन मेला देखा होगा, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन के बारे में भी आपने सुना होगा। शायद इसी कैटेगरी में लोन आपने लिए भी हों। लेकिन अब लोन का नया जोन खुल गया है, पेट्रोल लोन। जी हां, आपने सही सुना, पेट्रोल लोन। जमशेदपुर में लगा है पेट्रोल लोन मेला। लोन मेला में खूब भीड़ जमा हो रही है। पेट्रोल लोन के लिए आपको बस 3 चेक लाने होंगे और आपको इस पर 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए दरअसल जमशेदपुर में सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये पेट्रोल मेला लगाकर अनूठा प्रदर्शन किया। पूरे हिंदुस्तान की जनता पेट्रोल के दाम जितने बढ़ गए त्राही त्राही कर रही है और आम लोगों की खरीद से बाहर हो चुका है पेट्रोल, और हम लोग आसान किस्तों पर जो पेट्रोल उपलब्ध करा रहे हैं, ये एक तरह का सरकार पर कटाक्ष है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है तो इसके खिलाफ पूरे देश में अजब गजब प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दफ्तर जाने के लिए साइकिल निकाल ली। वाड्रा साहब, यूं तो अमूमन 10-15 मिनट लगते हैं, पर काफी लंबा समय साइकिलिंग करते हुए। मैं अगर आम आदमी के लिए जो उनकी मुश्किलें हैं, अगर मैं उनके लिए बोलूंगा तो मुझे उनके जैसे महसूस करना पड़ेगा कि वो अपने मुकाम के पहुंचने के लिए वो क्या साधन इस्तेमाल करते हैं। आज वो अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल उन्होंने घर पे खड़े कर दिए, कह रहे हैं हम महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बीजेपी पर वाड्रा साहब कहेगी कि कांग्रेस पार्टी के दामाद इतना महंगा सूट बूट पहन के महंगी बाइक में इस तरह से जा रहे हैं, वो गरीबी का क्या टूरिज्म कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रही है। देखिए, वो तो हम हमेशा जो लोग जो बाहर निकलेगा और कॉमन मैन के लिए बात करेगा, आम आदमी के लिए बात करेगा, वो तो बोलेंगे ये गलत है और ये हमारे हित में नहीं है, और ऑलमोस्ट कहेंगे कि अगर मैंने ये भी किया है मैं देशद्रोही हूँ। तो एक तरीके से एक स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पे कब तक जाएंगे इसी तरह से साइकिल में? पीछे आपकी लैंड क्रूजर आ रही है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है। देखिए, मैं फिर बोलूंगा, गाड़ियाँ तो देखिए, मेरा जो मेरे को सुरक्षित देखना चाह रहा है, मेरे परिवार चाहेगा कि मैं सुरक्षित रहूं, तो वो जरूर, आप देख रहे हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक थोड़ी ज्यादा है, तो जरूर वो मतलब कि गाड़ियां पीछे होंगी, जो भी है, मेरी एक ही गाड़ी है और मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूं, मैं कोई एक्सटेंशन गाड़ी में नहीं बैठा हूं। अगर मैं मुश्किलें उनकी समझना चाह रहा हूं तो मैं जरूर बाहर आऊंगा और समझूंगा और महसूस करूंगा कि कितनी मेहनत, कितना पसीना बहा रहा हूं, तभी वही कॉमन मैन कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो सिर्फ दिशा दिखाई थी, तमाम कांग्रेसियों की साइकिलें निकल पड़ी। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद ने साइकिलें निकाल ली और विधानसभा की तरफ कूच कर दिया। विधायकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट ले रही है। बजट सत्र है ये और कांग्रेस के विधायक साइकिल पर सवार होकर निकले हैं। आप देखिए, ये पीसी शर्मा है, ये आरिफ मसूद है जो यहाँ साइकिल से जा रहे हैं, ये देखिए पीसी शर्मा जो आप देखते हैं साइकिल चलाते हुए विधानसभा की ओर जा रहे हैं, ये तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका। देश में कई जगह पेट्रोल ने कीमतों का शतक लगाया तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस के सदस्य पैड पहनकर बैट बॉल के साथ सड़कों पर उतर पड़े। सरकार पर तंज कसते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजब गजब प्रदर्शन किया। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज सड़कों पर निकल पड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए। सबकी पीठ पर जो टी शर्ट है उसमें मैसेज लिखा हुआ है, अब की बार 100 पार। लेकिन उस 100 पार के लिए जो सेंचुरी, पेट्रोल की सेंचुरी जो अलग अलग लग रही है, इसलिए ये सारे कार्यकर्ता क्रिकेट गियर में हैं। तो लोग कहते थे हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज एक गरीब आदमी जो मिडिल अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, आज जाए तो किसके पास जाए, किसके पास जाके अपना दुखड़ा रोए। तो एक अपने आप में एक सरकार फेल हो चुकी है, महंगाई को रोक नहीं पा रही है।
देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पब्लिक का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने तेल की बढ़ती कीमतों के प्रदर्शन का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने पेट्रोल पंप पर टैंक फुल कराने वालों को फूल देकर आरती उतार कर स्वागत किया। जम्मू गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। मुंबई में शिवसेना की यूथ विंग ने क्या यही है अच्छे दिन वाले पोस्टर लेकर पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष ने आवाज बुलंद कर रखी है, तो महंगाई की मार से छटपटाती आम जनता भी अपने तरीके से विरोध कर रही है।